नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको संविधान द्वारा प्रदत्त मूलभूत अधिकार, मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानकारी दूंगा। अधिकतर लोगों को जानकारी नहीं है और या तो थोड़ी बहुत गलत जानकारी है, जिसकी वजह से वो लोग ये सोचते हैं कि उनको अगर कोई अधिकार मिला है तो उसका वो जिस तरह उपयोग करना चाहे उस तरह उपयोग कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। तो मूलभूत जो अधिकार है, मौलिक मूलभूत छः अधिकार हैं हमको संविधान ने दिए हैं, वो हैं। पहला है राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, इक्वालिटी बिफोर लॉ, समान अवसरों, समान अवसर नौकरी के लिए या लोक नियोजन के लिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में दिया गया है, राइट टू इक्वालिटी। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, ये आर्टिकल 19 से 22 में दिया गया है। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आर्टिकल 23 और 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजन, जी हाँ, ये आर्टिकल 25 से 28 में है। और राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, ये आर्टिकल 29 और 30 में है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। और छठवां और मुख्य, और इन सब में मुख्य है, वह राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक अधिकार, ये आर्टिकल 32 में है। ये छठवां अधिकार ऐसा है कि अगर हमारे ऊपर के जो मैंने पांच आपको अधिकार बताया उनका अगर हनन होता है तो इसके माध्यम से हम अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई छह मूलभूत मौलिक अधिकारों की। अब मैं आपको कर्तव्यों के बारे में बताता हूँ, कौन से कर्तव्य हमको भारतीय संविधान ने दिए हैं या भारतीय संविधान ने चाहता है, सरकार चाहती कि हम उनका पालन करें। मैं पढ़ूंगा। पहला है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों और संस्थाओं, राजध्वज, राष्ट्रगान का आदर करे। पहला फंडामेंटल ड्यूटी। दूसरी फंडामेंटल ड्यूटी यह है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजो कर रखे और उनका पालन करे। तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्य रखें। चौथा, देश की रक्षा करें। पांचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। छठवां, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका निर्माण करें। सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें। आठवां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। नौवां, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, सुरक्षित रखें। दसवां है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक परिस्थितियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। और ग्यारहवां है, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाए। ये 11 संवैधानिक कर्तव्य हैं हमारे, 6 अधिकार हो गए और 11 संवैधानिक कर्तव्य हो गए। अब संवैधानिक अधिकार जो हमको मिले हैं वो अपने आप में पूर्ण नहीं है, मतलब वो शर्तों के साथ हैं, रेस्ट्रिक्शंस के साथ हैं। तो ऑल द राइट्स वी हैव बीन गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस आर नॉट एब्सोल्यूट राइट्स।
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमको है, मौलिक अधिकार है हमारा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को गाली दें। अगर हम किसी को गाली देंगे तो वो ऑफेंस रहेगा और आईपीसी के तहत उसकी उसमें आपको सजा हो सकती है। तो ये हमारे अधिकार हैं और अधिकारों का पालन हमको करना है, लेकिन एक रेस्ट्रिक्शन के साथ, एब्सोल्यूट नहीं है। उसी तरह से संवैधानिक कर्तव्य हैं, जो 11 कर्तव्य बताए गए हैं वो संवैधानिक हैं। ऐसा कहीं लॉ नहीं है कि उसको एनफोर्स न करें या करें, ऐसा कोई लॉ है नहीं। सो दो देर इज नो लीगल सैंक्शन प्रोवाइडेड फॉर वायलेशन और नॉन परफॉर्मेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, देर इज नीदर स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर एनफोर्सिबिलिटी और एनी स्पेसिफिक प्रोहिबिशन। हाउएवर फंडामेंटल ड्यूटीज हैव एन इनहेरेंट एलिमेंट ऑफ कंपल्शन रिगार्डिंग कंप्लायंस। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार एवं कर्तव्यों के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी इस वीडियो के जरिए मिल गई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।